भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गुरुवार को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों के उच्च सुरक्षा अधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के एनएसए की बैठक के दौरान अजीत डोभाल आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को साफ कर दिया है। डोभाल ने स्पष्ट किया है कि एससीओ को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों पर एक्शन लेना ही होगा। यूपी में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन अमेठी में आज सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहाँ एक बाइक पर सवार 5 लोगों को सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि 2 छोटे छोटे बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों ने गंभीर हालत में सीएचई में भर्ती कराया है। 24/11 मुंबई हमले के मुख्य आरोपी तहूर राणा के प्रत्यर्पण मामले में शुक्रवार को अमेरिका की लॉस एंजेलिस कोर्ट में शुक्रवार को 2008 में हुई सुनवाई होनी है। सुनवाई के लिए भारत से अधिकारियों का एक दल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को दिल्ली के कानपुर के लिए खास ट्रेन में यात्रा करेंगे। राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश में अपने जन्म स्थान की यात्रा के लिए ट्रेन में सफर करेंगे। महामहिम जिस ट्रेन से जाएंगे वह प्रेसिडेंशियल ट्रेन है। प्रेसिडेंशियल ट्रेन की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। धर्मांतरण के मामले में पकड़े गए उमर गौतम के अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी से कनेक्शन सामने आया है। मलिहाबाद में एटीएस ने अल हसन सोसाइटी के ठिकाने पर छापेमारी की, लेकिन संस्था की वेबसाइट पर किए गए दावे ग्राउंड पर फर्जी निकले हैं। उधर इस मामले में टेरर एंगल भी सामने आया है। एजेंसियों को धर्मांतरण रैकेट के आतंकी संगठनों से जुड़े होने के प्रमाण भी मिले। महाराष्ट्र के पालघर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज सुबह 11:57 पर भूकंप आया। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.7 नापी गई है। कोविड-19 महामारी के बीच बीएमसी ने बिना मास्क घूमने वालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 449 दिन में 58 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। इसमें पुलिस और रेलवे की तरफ से लगाया गया जुर्माना भी शामिल है। यह आंकड़ा अप्रैल 2020 से 23 जून 2021 तक का है। बता दें कि कोरोना वायरस संबंधित उचित व्यवहार को पारित करने के लिए बीएमसी ने मुंबई में मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए का जुर्माना तय किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई उच्च न्यायालय को बृहस्पतिवार को बताया कि मुंबई में अब तक 2000 से अधिक लोग कोविड-19 रोधी टीकाकरण के फर्जी शिविरों के शिकार बने हैं। राज्य सरकार के अधिवक्ता मुख्य लोक अभियोजक दीपक थापे ने अदालत को बताया है कि शहर में अब तक कम से कम 9 फर्जी शिविरों का आयोजन किया गया और इस सिलसिले में 4 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। राज्य सरकार ने इस मामले में जारी जांच संबंधित स्थिति रिपोर्ट भी अदालत में दाखिल की। सचिन वाजे केस और परमवीर सिंह मामले में महाराष्ट्र में अब भी सियासी पारा हाई पर है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह और पूर्व पुलिस कमिश्नर सचिन वाजे से संबंधित मामलों के सिलसिले में गुरुवार को बैठक के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और परिवहन मंत्री अनिल परब के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। सिडको परिसर में पैसे की बारिश होने की बात करता लोगों को ठगने वाला भोंदू बाबा फरार है। अंबड़ पुलिस थाने आगे की जांच कर रही है। पवन नगर स्टेडियम के इलाके में महानगर पालिका की जगह पर चलने वाले सुलभ शौचालय के ऊपर एक रूम में 4 से 5 लाख रुपए कीमत के 2000 के नकली नोट और 2 काले रंग और इन वस्तुओं के साथ जादू टोने का सारा सामान पुलिस ने बरामद किया है। खास खबरों के बड़ी देखें उसके साथ। नमस्कार।